धान के अवैध परिवहन के खिलाफ जारी सूरजपुर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग कार्रवाई से किसानों और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। कार्रवाई से डरकर छोटे व्यापारी अब किसानों का धान लेने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और किसान इतने आक्रोशित हो गए हैं कि अपना धान सड़क पर फेंक रहे हैं। वहीं खाद्य विभाग ऐसी स्थिति से इनकार कर रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि छापामार कार्रवाई के चलते व्यापारी वर्ग में डर रही है, अगर वो धान खरीदते हैं तो खाद्य विभाग उनकी दुकान और मकान पर छापा मारकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी वजह से मंडी के सभी व्यापारियों में धान खरीदने से किसानों के साफ तौर पर मना कर दिया है। नहीं बेचाया। क्या बोले आपको? सेठ लोग बोलते हैं कि नहीं खरीदी बंद है, नहीं खरीदेंगे हम लोग। वो बीमार घर में है, इलाज करने के लिए एक आध बोरा बेचने पड़ता है। इधर ऊपर धान बेचे आ रहे हैं। बिका आपका धान? धान तो मैं पूरा दुकान में जाए देखें कहीं लेते नहीं है। क्यों? सरकारी बंद कर दी है कि मंडी वाले बाजार में जाते हैं खरीदने, तो 10-20 बोरा खरीदते हैं, उसके बाद मंडी वाले जाते हैं बेचने, तो चेक लेते हैं, चला इसे कटवाते हैं, तो कहाँ लेते हैं? सेठ लोग कोई ले ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग कहाँ बेचते हैं? बस हम लोग तो छोटा छोटा व्यापारी हैं, और इन लोग को देते हैं तो इन लोग मना कर देते हैं, हम क्या करें? अभी बहुत दिन से कर दिए हैं, 10-15 दिन से पहले बंद कर दिए। बस लेबे नहीं करते हैं तो कहाँ बेचेंगे हम लोग, क्या करेंगे? छोटा छोटा धंधा वाले हम लोग। कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि व्यापारियों के द्वारा भी फिलहाल नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा कई संस्थानों में जांच किया गया, उनके पास तो स्टॉक रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं पाया गया है, और उनके द्वारा जो फुटकर व्यापारी हैं उनके जो स्टॉक लिमिट है उससे भी ज्यादा मात्रा में उनके द्वारा खरीदारी की जा रही है।